हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइब्रेंट क्लासेस। दोस्तों, आज का हम लोग का टॉपिक है आर्टिकल्स, अनुच्छेद जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। हम लोग टॉप का 15 क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप लोग जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि हम लोग एक टॉपिक उठाते हैं डेली करते हैं, और उसके 15 क्वेश्चन जो टॉप का होता है हम लोग करते हैं एग्जाम में, ठीक है, डेली करते हैं। उससे क्या होता है कि इससे एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। यदि आप ग्रुप डी एनटीपीसी सीवीटी 2 और ग्रुप डी का स्टूडेंट है तो इस सेशन को देखना बहुत ही जरूरी है आपको, ठीक है। एसएससी का भी है तो जरूर देखिएगा उसको, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से उठ के आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देखिएगा तो पता चल जाएगा। आप पहले क्वेश्चन देख लीजिए, टॉपिक देख लीजिए, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पसंद आए तो कीजिएगा, नहीं आएगा तो नहीं, चैनल सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, ठीक है। चलिए चलिए हम लोग करते हैं। आज का टॉपिक है आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। एक मार्क्स मान के चलिए यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है आपका, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले एक बार चैनल को जो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन आपके तक टाइम टू टाइम पहुँच सके, ताकि आप इसका इस खास वीडियो से आप वंचित ना रह जाएँ, ठीक है, और इसको फ़ायदा उठा पाएँ। चलिए चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, विच आर्टिकल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? आर्टिकल 32 को क्या बोला था बी आर अम्बेडकर जी ने? हर्ट एंड सोल बोला था इसको, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। हर्ट एंड सोल कौन सा आर्टिकल बोला जाता है? हर्ट एंड सोल, ठीक है, याद रखिएगा। आर्टिकल 32 को बोला जाता है, ठीक है। आर्टिकल 21 क्या है? पर्सनल लाइफ के बारे में बताता है, आपको पता ही होगा आर्टिकल क्या है, राइट टू पर्सनल लाइफ। आर्टिकल 24 है चाइल्ड लेबर को रोकना, जैसे फैक्ट्री में बच्चे लोग काम करते हैं उसको रोकने का काम जो करता है आर्टिकल 24 करता है। आर्टिकल 21 क्या काम करता है? राइट टू पर्सनल लाइफ है। और आर्टिकल 256 क्या है? ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट एंड यूनियन, मतलब स्टेट और यूनियन का अपना अपना सीमाएँ हैं कुछ, ठीक है, अपना बाउंड्री में रह के काम करने का सीमाएँ है, ठीक है। आर्टिकल 256 क्या बोलता है? ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट एंड यूनियन, अपने हद में रह के काम करेगा स्टेट और यूनियन अपना रहकर, ठीक है, समझ गए ना। तो आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू पर्सनल लाइफ। 24 क्या है? चाइल्ड लेबर को रोकना। 32 तो बता ही दिए, हर्ट एंड सोल बोलते हैं जिसको। और 256 क्या है? ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट एंड यूनियन। चलिए ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन में चार को हम लोग डिस्कस, इसलिए हम बोलते हैं पूरे ऑप्शन का निचोड़ हम लोग करेंगे अब, इसलिए बोलते हैं आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आप लोग के लिए, यदि देखते हैं तो एग्जाम में आखिर मानिए क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिल सकता है आपको CBT 2 और ग्रुप डी में। चलिए दूसरा क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू प्रोटेक्ट ऑब्जेक्ट्स प्लेस मॉन्यूमेंट ऑफ हिस्टोरिक इंटरेस्ट एंड नेशनल इंपॉर्टेंस। क्या इसका आर्टिकल 49 है, ठीक है, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 49 है, ठीक है। देखिए याद रखना है कि हम लोग का अधिकार है प्रोटेक्ट करना ऑब्जेक्ट प्लेस एंड मोन्यूमेंट का, ठीक है, आर्टिकल 49 याद रखना है। आर्टिकल 48 क्या है? आर्टिकल 48 कुछ नहीं, आर्टिकल इतना याद रखना है, एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर, इतना याद रखना है, ठीक है आपको। आर्टिकल 48 एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर याद रखना है आपको। 49 तो ये क्वेश्चन हो गया। अब 50 क्या है? 50 है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। क्या है? सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, हिंदी में बोले तो न्यायपालिका को कार्यपालिका को अलग करना, ठीक है, न्यायपालिका को कार्यपालिका को अलग करना आर्टिकल 50 है। इंग्लिश में बोले तो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ठीक है, नन ऑफ दिस, तो ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए आर्टिकल 51A क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आर्टिकल 51A क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज है। क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज है। चलिए फंडामेंटल ड्यूटी है, कितना टोटल 11 है, पहले बता चुके हैं, 6 पॉजिटिव है, माइनस का नेगेटिव 5 है, ठीक है, टोटल 11 है याद रखिएगा। चलिए विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद इलेक्शन कमीशन कौन डील करता है, कौन सा आर्टिकल? तो आ देखिएगा आर्टिकल 324, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 324, ठीक है। चलिए 356 क्या है? स्टेट इमरजेंसी, क्वेश्चन आ चुका है, स्टेट इमरजेंसी है। 360 क्या है? फिनंशियल इमरजेंसी, ठीक है। और 352 क्या है? नेशनल इमरजेंसी, क्वेश्चन आपको याद रखना है। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी, और आर्टिकल 360 फिनंशियल इमरजेंसी, तीनों याद रखना है आपको, ठीक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आर्टिकल 342 जो पूछा, ये क्या है? ये क्या है? ये एसटी से रिलेटेड है। और आर्टिकल 341 एससी से, ये भी याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या क्या आर्टिकल बोले देखिए, आर्टिकल 352 क्या बोले? नेशनल इमरजेंसी बात करता है, 356 स्टेट इमरजेंसी का बात करता है, आर्टिकल 360 फिनंशियल इमरजेंसी की बात करता है, ठीक है। आज ये क्वेश्चन जो पूछा है इलेक्शन कमीशन 324 स्टार मार्क अपने आप में क्वेश्चन, ठीक है। और आर्टिकल 342 जो है एसटी से रिलेटेड है, एसटी शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। और 341 एससी का,
शेड्यूल्ड कास्ट, ये याद रखिएगा, ठीक है, इतना याद रखिएगा। मतलब एक क्वेश्चन में 6-7 क्वेश्चन हम लोग कर लिए, देख रहे हैं। चलिए आर्टिकल 21, ये क्वेश्चन पहले बता चुके, क्या है राइट टू लाइफ, क्या है राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ है। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियंस क्या बताता है 25 से 28 बताता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, ठीक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज आर्टिकल 32, ये सब सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए बोलते हैं आप लोग देखिए इसको, नहीं देख रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। एग्जाम आपका नज़दीक है तो जरूर देखिए इसको, एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है इस टॉपिक से, इस सीरीज से, मतलब कहने का मतलब हम लोग डेली एक टॉपिक कवर करते हैं, आपको पता ही होगा टॉपिक कैसा कैसा इंपॉर्टेंट है। नेशनल डैम और रिवर्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह कर चुके हैं हम लोग, अमेंडमेंट कर लिए, अभी आर्टिकल चल रहा है, धीरे धीरे और धीरे धीरे क्वेश्चन कवर करेंगे आप लोग, ठीक है। चैनल से जुड़ जाइए जितने हो सके तो, अगर इसको PDF चाहिए तो टेलीग्राम में जुड़ जाइए, वाइब्रेंट क्लासेस 43 पे, बिना स्पेस दिए हुए जुड़ जाइएगा, बोलिएगा तो इसमें लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, बोलिएगा तो, ठीक है। उसे वाइब्रेंट क्लासेस 43 टेलीग्राम का नाम है। चलिए फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस कम्स अंडर विच ऑफ द इंडियन आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 19, कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ प्रेस है, ठीक है। 14 बताइए दिए, आर्टिकल 14 क्या बताएं, 14 वही बताएं, राइट टू इक्वालिटी है। 29 क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, क्या है 29, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज 29 में है, ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए 7 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबोलिश अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी कौन सा आर्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 17, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी का बात है, कौन सा 17, ठीक है। चलिए फिनांस, फिनांस कमीशन इज एस्टेब्लिश अंडर विच ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फिनांस कमीशन, ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए इसका, इसका फिनांस कमीशन कौन सा आर्टिकल 280, फिनांस कमीशन आर्टिकल 280, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा इसका ऑप्शन देख लेते हैं, आर्टिकल 148 कैग, बहुत इंपॉर्टेंट है कैग, ठीक है, कैग बोलते हैं इसको। चलिए आर्टिकल 352 क्या बोले, नेशनल इमरजेंसी पहले बोल चुके हैं, नेशनल इमरजेंसी 356 स्टेट इमरजेंसी, 360 फिनांशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 61 कौन सा इम्पीचमेंट है, महा क्या बोलते हैं इसको हिंदी, महाभियोग बोलते हैं इसको, इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट, ठीक है। आर्टिकल 21, आर्टिकल 61 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट, महाभियोग, आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 148 कैग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव द डेफिनेशन ऑफ इंडियन स्टेट, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 5, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 5 डेफिनेशन ऑफ इंडियन स्टेट, ठीक है। चलिए तो आर्टिकल क्या, आर्टिकल 1 पूछ सकता है, तो आर्टिकल है इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ है, क्या आर्टिकल, भारत राज्यों का संघ है, या इंग्लिश में बोल लीजिए इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। 5 तो बता दिए, 5 क्या है, 5 है सिटीजनशिप, सॉरी 5 है सिटीजनशिप, ठीक है। आर्टिकल 12 क्या है, डेफिनेशन ऑफ इंडियन स्टेट के बारे में बताता है, आर्टिकल 12 इसका आंसर सी हो जाएगा। आर्टिकल 1 क्या बोले, इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ है, आर्टिकल 5 सिटीजनशिप, आर्टिकल 12 क्या बोलता है, डेफिनेशन ऑफ इंडियन स्टेट, इंडियन स्टेट का डेफिनेशन आर्टिकल 12 देता है, और डी ऑप्शन आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 पता ही है आपको, सेक्स, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ से किसी को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है, रिलीजियस जाति के धर्म से किसी को मतलब डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता, आर्टिकल 15 यही बोलता है। चलिए देखिए ऑप्शन यही था, 15 ऊपर आ गया था, चलिए कोई बात नहीं। 10 नंबर, आर्टिकल 81 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू, आर्टिकल 81 क्या है, कंपोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपुल, आर्टिकल 81 क्या है, कंपोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपुल, आर्टिकल 81 है। तो चलिए कंपोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ द स्टेट क्या है, काउंसिल ऑफ स्टेट आर्टिकल 80 आ देगा, ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट आर्टिकल 80, हाउस ऑफ द पीपुल आर्टिकल 81, ठीक है, रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसद आर्टिकल 82, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट आर्टिकल 83, सब इंपॉर्टेंट है एकदम, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन पूछ देगा एग्जाम में कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, इसलिए आप वीडियो को एक या दो बार जरूर देखिए, आपको दिमाग में घुस जाएगा क्वेश्चन आराम से। चलिए विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, देखिए इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन कौन सा है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आर्टिकल 16, ठीक है,
आर्टिकल 16 है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, आर्टिकल 16। 17 अनटचेबिलिटी है, 18 क्या है एबोलिशन ऑफ टाइटल वगैरह है जो भी है। आर्टिकल 15 बताते हैं रेस सेक्स रिलीजियस ये सब जो है आर्टिकल 15 है। अब प्लेस ऑफ बर्थ से किसी को डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता है। और आर्टिकल 16 का इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आर्टिकल 16। पावर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत कौन सा है, पावर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत पहले क्वेश्चन आ चुका है, 243 का जी हो जाएगा इसका, ठीक है। कौन सा अमेंडमेंट है पंचायत का 73, अब म्यूनिसिपैलिटी का कौन सा अमेंडमेंट है 74, दोनों इंपॉर्टेंट है ये पहले बता चुके हैं, ठीक है। 13 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर इन स्टेट, ठीक है। तो कौन सा देख लीजिए, तो इसका आंसर 168 क्या है 168, ठीक है। 148 क्या का है इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बाकी उतना कुछ खास नहीं है, ठीक है। चलिए, द ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल एजी, अटॉर्नी जनरल ओपिनियन इज ए गिवन इन विच ऑफ द आर्टिकल, अटॉर्नी जनरल कौन सा आर्टिकल में है, तो देखिएगा बी 76, अटॉर्नी जनरल 76, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर के नाम से भी आता है क्वेश्चन, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन सा आर्टिकल है, तो 76 ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अटॉर्नी जनरल को क्या बोलते हैं, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर जो आर्टिकल 76 में है, ठीक है। चलिए अभी कौन है इसका लॉ ऑफिसर, क्या अभी एजी कौन है, वेणुगोपाल राव, वेणुगोपाल याद रखिए, ठीक है, वेणुगोपाल, ठीक है। कितने नंबर के, 15 नंबर के, 15 नंबर के है एजी, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया वेणुगोपाल, जो कि 15वें नंबर के आर्टिकल 76 में डिस्कस करता है, ठीक है। चलिए चलिए अब आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट पेज में होगा। चलिए, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज ए प्रोविजन ऑफ राइट टू एजुकेशनल एक्ट, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन कितना बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, राइट टू एजुकेशन 21A का है, ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन 21A, ठीक है। चलिए तो दोस्तों 15 क्वेश्चन हो गया, आप लोग को देख के लग ही रहा होगा कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यकीन मानिए यदि आप देखते हैं तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।